डाको काय म्हणते मला सर मंगळसूत्र 1 2 3 आरोपी पुढे फिर उभे करा उभे करा 2 मिनिटं उभे करा खाली आहे ना खाली आहे ना बाबा सरळ जा पुढे बस 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 नाही खाली नका बसू खाली नका बसू खाली नका बसू तर मुद्दे मला कोण बारा वाजेपासून 1 वाजेच्या दरम्यान त्यांच्या राहत्या घराचे अज्ञात इसमाने कुलूप तोडून किंमत रुपये 6,58,000 आणि रोख रक्कम अशी घरफोडी करून चोर गुन्हा सेल क्रमांक 7/22/454-380 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्या गुन्हा घडल्याच्या अनुषंगाने वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास चालू केला. मी स्वतः PI क्राईम आसगावकर, PSI भगदाने आणि गुन्ह्याचे काही फुटेज मिळतात का त्या अनुषंगाने पोलीस नाईक संदीप महाडिक आणि त्यांचे साथीदार महाजन शिंदे नंतर त्या आधारे शोध घेतला असता सदर इसम हे चोरी करून कळवा स्टेशनच्या दिशेने गेल्याचे समजले. त्यानुसार आम्ही त्या ठिकाणचा तांत्रिक मनीषा नगर में 7/1/2022 को स्मिता विजय मालवणकर की महिला रहती थी. वो 7 तारीख को 12 बजे घर के कुछ काम करने के लिए बाहर गई तो घर पे वापस आया तो उनके घर पे सब दरवाजा वगैरह टूटा था कपाट टूटा था. तो घर में से 6,58,000 का गोल्ड ऑर्नामेंट्स और कैश चोरी हो गया उन्होंने बताया. तो उस तत्काल पुलिस स्टेशन में CR नंबर 7/22/454-380 के अनुसार तकरार दाखिल की गई. उसके बाद में हमने उस एरिया में आजू बाजू में जो CCTV फुटेज था उसके माध्यम से ये लोग चोरी करके कड़वा स्टेशन के तरफ गए थे. वो मेरा पुलिस ऑफिसर PSI भगदाने और उनकी टीम संदीप महाडिक महाजन शिंदे गौरव खपाले ये सब टीम ने टेक्निकल माध्यम से ये आरोपी से हमने 25 तारीख को राजौली पाली पुलिस स्टेशन के अंडर पालघर से ताबे में लिया. एक का नाम है शेखर नटराज नायर और दूसरे का नाम है देवेंद्र गणेश शेट्टी. ये तमिलनाडु और कर्नाटक के रहने वाले. इनका मोडस ऑपरेंडी चोरी करने का है और दिन में चोरी करता है लोग. किस तरीके से सर उनका मोडस था ये चोरी करने का किस तरीके से ध्यान रखते थे घर पर उन लगे कितने आरोपी रह सकते इसमें? दो या तीन आरोपी रहते थे. एक आता था वो छाननी करता था कोई लोग बाहर जाता है क्या करता है उस वो बाहर रहने के बाद वो जब रेकी किया तो उस घर में वो चोरी करता था. किस तरह से टीम अपने काम करती है किस तरह से
मैं जब भी गुना घड़ा 7 तारीख को जब हो गई घटना, उसके बाद में मैंने तुरंत मेरा स्टाफ को, मेरे PSI बगदानी और स्टाफ को मैंने तुरंत CCTV फुटेज के लेने के लिए बोला। तो संदीप माड़िक, महाजन और शिंदे तुरंत वो घटना जिस जगह पे गए, उस जगह पे बिल्डिंग के बाजू में CCTV फुटेज था, वो देख लिया। वो देखने के बाद वो आरोपी, उन्होंने ट्रेस किया कि आरोपी चोरी करके स्टेशन के दिशा जब जा रहे, उनका ठिकाना मिला था बदलापुर में। बदलापुर के बाद वापस मिला नालासोपारा में, नालासोपारा के बाद पालघर में मिला। तो पालघर में उनका ट्रेस करके टेक्निकल माध्यम से 25 तारीख को उन्होंने ताबे में लिया और उन्होंने आज तक एक जो सोने का गहना है, सोना 12 तोला 6 लाख रुपए का हस्तगत किया है। किस प्रकार करता सर? वो घर में रात को 9, 8:30, 9 बजे आता था किसी के घर पे, बेल दबा के पूछता था किसी को अगरबत्ती चाहिए, किसी को मासिक चाहिए, किसी को अभी कोरोना का चालू है तो बोला मास चाहिए क्या, ऐसे प्रकार के रेखे करता था। सर पीसी कितने दिन तक दिए? 2 तारीख को पीसी है। इनका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है ये हाउस ब्रेकिंग करने वाले, दिन में जो घर फोड़ी होती है वो ये करता है। और का ये अभी 6 महीने से बाहर आए, पहले हाउस ब्रेकिंग के होने में जेल में थे। नागरिकों से आपका आह्वान क्या है इसके बारे में? नागरिकों को इस प्रकार से मैं आह्वान करूँगा कि जो अपना जो बिल्डिंग में आप रहते हैं, आप सुरक्षित रहने के लिए आपके बिल्डिंग पे वॉचमैन चाहिए। कोई लोग आता है घर में तो उसका साइन करके, उसका मोबाइल नंबर लेके, उनका फोटो आने वाला, और जो अपने बिल्डिंग के गेट पे एक CCTV फुटेज चाहिए, उसमें उससे आदमी ट्रेस हो सकता है। उस वजह से पुलिस को बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है इस CCTV माध्यम से। पुलिस को हमारे ये सक्सेस हुआ है ये केस में। ज्या परिसरा में रहते हो, ज्या बिल्डिंग में रहते हो, त्या बिल्डिंग में अपने गेट पर वॉचमैन असावा, अपने बिल्डिंग में CCTV फुटेज असावे। तो CCTV फुटेज माध्यमातून पुष्कळ प्रकारे आम्हाला मदत होऊ शकते। हा जो गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी आम्हाला CCTV खूप मोठ्या प्रमाणात मदत झालेली आहे। पोलीस कस्टडी 2 तारखे 2 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी आहे त्यांना। हा असं आहे की कळवा पोलिसांच्या हातीमध्ये स्मिता विजय मालवणकर या मनीषा नगरला राहतात। 7/1/2022 रोजी त्या घराच्या बाहेर काही कामासाठी गेले असताना घरी परत आल्यानंतर त्यांचं घर 7-8 दरवाजे वगैरे उघडे होते आणि आतील कपाटं वगैरे पलंग वगैरे उसकटलेला दिसला। त्या ठिकाणी त्यांची चोरी झाल्याची त्यांची खात्री झाल्याने त्यांनी तात्काळ पोलिसांना कळवलं। कळवल्यानंतर आम्ही आमच्या स्टाफसह त्या ठिकाणी गेलो असता सदर महिलेने त्या घरातील रोख रक्कम व सोन्याचे दागिने असे 6,58,000 रुपयाची चोरी झाल्याचे सांगितल्याने कळवा पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा निश्चय क्रमांक 7/22/454-380 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला। यांची मोडस दिवसा हाऊस ब्रेकिंग करणे, घराची रेखी करायची, घरामध्ये जर कोणी ॲक्टिव माणूस असेल आणि तो माणूस दिसल्यानंतर तो बाहेर जातो याची पाळत ठेवायची। बाहेर गेल्यानंतर त्या घरामध्ये प्रवेश करून तात्काळ त्या ठिकाणी कडेकोंडा तोडून अर्धा तास चोरी करून पळून जायची। यांची ही मोडस ऑपरेंटी होती। आत्तापर्यंत त्यांना पालघर जिल्ह्यातून राजौली गावातून आम्ही एक टेक्निकल परव्याच्या आधारे त्यांना अरेस्ट करून आत्तापर्यंत त्यांच्याकडून 12 तोळे सोनं 6 लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे। बॅकग्राऊंड काय आहे? बॅकग्राऊंड हे एक आरोपी कर्नाटकचा आहे, एक आरोपी तामिळनाडूचा आहे। यांचे नोटिस ऑपरेंट ही दिवसा हाऊस ब्रेकिंग करणे, आता 6 महिन्यापूर्वीच हे जेलमधून सुटून आलेले आहे। यांच्याविरुद्ध ठाण्यामध्ये MFC पोलीस स्टेशन असेल, बदलापूर असेल, मुंबईमध्ये कांदवली, तसेच पालघर जिल्ह्यामध्ये पण काही ठिकाणी सुरू केल्याचे गुन्हे आहेत त्यांच्यावर। ते अट्टल चोरी करण्याचे, दिवसा हाऊस ब्रेकिंग करणारे अट्टल गुन्हेगार आहे। नक्की रेखी कशा प्रकारे करायची? घरात रेखी करण्याचा प्रकार असा आहे यांचा की हे रात्री एक घराची बेल वाजवायची, बेल वाजवल्यानंतर घरात एकटा माणूस जर बाहेर आला त्या ठिकाणी ते बघायचे की एक माणूस आल्यानंतर घरात लांब नजरेने बघायचं, तर एक माणूस आल्यानंतर त्यांना विचारायचे कोणाला अगरबत्ती पाहिजे का, मास्क पाहिजे का, मासिक पाहिजे का, असे विचारून ते खात्री करून घ्यायचे की ह्या घरामध्ये एकटाच माणूस आहे। सर किती टक्के पोलीस आणि अजून काही गुन्हे
बोगड़े उगड़कीस आने प्रयत्न चालू है। यांच्याकडला एक आरोपी है जो वॉन्टेड, यांची जी यांच्याबरोबर महिला होती ती आतापर्यंत वॉन्टेड है, तिचा आम्ही मार्गावर आहे, ती लवकरात लवकर तिला अरेस्ट करण्याचा सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। नागरिकांना कशा प्रकारे आव्हान, नागरिकांना आव्हान करणार की आपण ज्या परिसरामध्ये राहतो, ज्या बिल्डिंगमध्ये राहतो, त्या बिल्डिंगमध्ये आपल्या गेटवर वॉचमॅन असावा, आपल्या बिल्डिंगमध्ये उनका ठिकाणा मिला था बदलापूर में, बदलापूर के बाद वापस मिला नाला सोपारा में, नाला सोपारा के बाद पालघर में मिला, तो पालघर में उनका ट्रेस करके टेक्निकल माध्यम से 25 तारीख को उन्होंने ताबे में लिया और उन्होंने आज तक एक जो सोने का गहना है, सोना 12 तोला 6 लाख रुपए का हस्तगत किया है। किस प्रकार करते सर? वो घर में रात को 9, 8:30, 9 बजे आता था किसी के घर पे, बेल दबा के पूछता था किसी को अगरबत्ती चाहिए, किसी को मासिक चाहिए, किसी को अभी ये कोरोना का चालू है तो बोला मास चाहिए क्या, ऐसे प्रकार के रेखी करता था। तो पीसी कितने दिन तक दिए? 2 तारीख को पीसी है। इनका बैकग्राउंड, इनका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है ये हाउस ब्रेकिंग करने वाले, डे में दिन में जो घर फोड़ी होती है वो ये करता है, और का ये अभी 6 महीने से बाहर आए, पहले हाउस ब्रेकिंग के होने में जेल में थे। नागरिकों से आपका आह्वान क्या है इसके बारे? नागरिकों को इस प्रकार से मैं आह्वान करूँगा कि जो अपना जो बिल्डिंग में आप रहते हैं, आप सुरक्षित रहने के लिए आपके बिल्डिंग पे वॉचमैन चाहिए, कोई लोग आता है घर में तो उसका साइन करके उसका मोबाइल नंबर लेके उनका फोटो आने वाला, और जो अपने बिल्डिंग के गेट पे एक सीसीटीवी फुटेज चाहिए, उसमें उससे आदमी ट्रेस हो सकता है, उस वजह से पुलिस को बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। ये सीसीटीवी माध्यम से पुलिस को हमारे ये